नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनी लाडोकार में। सो आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल S11, तो इसी को आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं और साथ ही में बात करते हुए चलेंगे इस कार की प्राइसिंग की एंड फीचर्स के बारे में। तो भाई लुक्स रोड प्रेजेंट काफी तगड़ा सा रहता है इस 7 सीटर मस्कुलर एसयूवी कार का। प्राइस रेंज की बात करें तो 13 लाख से एक्स में स्टार्ट हो जाती है और टॉप मॉडल में जाता है 19 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। एंड इंजन स्पेक में आपको इस कार में मिलता है सुपर स्विफ्ट डीजल का ऑप्शन, जिसमें बड़े सा 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस कार में। बाकी वेरिएंट्स यहाँ पे दो ही ऑफर किए जाते हैं इस कार के साथ, जिसमें इसका बेस रहता है S11 इसका टॉप मॉडल। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है भाई वेरिएंट्स वाला, एंड साइड से भी देखने में काफ़ी सही सी लगेगी ये हमारी भौकाली मस्कुलर एसयूवी कार। कलर ऑप्शन है आपका व्हाइट देख रहे हैं, एंड व्हाइट के अलावा आपको इसमें ब्लैक, सिल्वर, रेड, ग्रे जैसे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं इस कार के साथ। तो आइए अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट ग्रिल में, यहाँ पर रहेगा बड़े सा नया वाला महिंद्रा का लोगो, एंड वर्टिकल शेप में यहाँ पे क्रोम इंसर्ट में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल जो पहले वाली से पूरा डिफरेंट यहाँ पर रहती है। देन हेडलैम्प्स की बात कर ली जाए तो आपको उसमें मिलने वाला है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर्स, हाई बीम के लिए हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर यहाँ पे डीआरएल्स की प्लेसमेंट, नीचे देखेंगे यहाँ पे फॉग लैम्प्स एंड एलईडीज वगैरह भी देखने को मिलती है इसके फ्रंट बम्पर में। लोअर ग्रिल यहाँ पे ब्लैक कलर की है, जो एडन बम्पर वगैरह देख रहे हैं ना, स्किड प्लेट वगैरह सब यहाँ पे बाद में लगाई गई एज अ एक्सेसरीज। और ये रहेगा इसका पूरा नीचे का फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेकर इस कार के तो 209 mm का यहाँ पे बेहतरीन से आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है इस स्कॉर्पियो के साथ। बाकी फ्रंट फिशर काफ़ी तगड़ा सा यहाँ पर रहता है, यहाँ पे इसका एयर डैम। देन इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। आगे बढ़ेंगे रूफ में, यहाँ पे पावर एंटीना, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स। बाकी भी आते गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से भी देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया सी लग रही है देखने में ये हमारी मस्कुलर एसयूवी कार। एंड डायमेंशन की बात की जाए तो आपको इसमें 4456 mm की इसकी लेंथ, 1820 mm की इसकी विथ एंड 1995 mm की इस कार के यहाँ पे आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। तो भाई डायमेंशन वाइज भी एकदम तगड़ी ब्रॉड सी रहती है ये हमारी कार। व्हील बेस वही आपको इसमें मिलेगा 2680 mm का। बाकी साइड प्रोफाइल में अगर आप नोटिस करेंगे पहले वाली स्कॉर्पियो से यहाँ पे डायमंड कट अलॉयस आपको ऐड किए जा चुके हैं, यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह, अंदर इंफोटेनमेंट वगैरह, फ्रंट ग्रिल वगैरह काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको इसमें मिलता है 17 इंच के डायमंड कट अलॉयस, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर किए जाएंगे। और टायर प्रोफाइल की अगर इसकी हम लोग बात कर ले, आइए देखते हैं, 235/65 और 17 इंच के रहेंगे रेडल के टायर, इतना कुछ ट्रैवल रहता है बॉडी एंड सस्पेंशन के बीच में। यहाँ पे भाई एमहॉक का आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है उसकी बैजिंग, बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पे फेंडर पे आपको मिलेंगे। ओ आर बी एम्स यहाँ पे मिलते हैं डुअल टोन में बॉडी कलर एंड ब्लैक फिनिश में, इलेक्ट्रिक वेट डिसेबल आपको देखने को मिल जाएंगे इसके ओ आर बी एम्स। बाकी की यहाँ पे देख लीजिए इस तरह कुछ यहाँ पे फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की रहेगी, जहाँ पे लॉक अनलॉक बसर के बटन्स रहते हैं, पीछे महिंद्रा का लोगो। एंड दूसरी जो की देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे भाई डमी की मिलेगी। सो इसके बाद जब यहाँ पे देखते हैं तो ये भाई डोर वाइजर वगैरह जो कुछ लगाया गया ना, ये सब एज अ एक्सेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये सब आप भी बाद में यहाँ पे करवा सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन या जो भी लगवाना हो। यहाँ पे देखेंगे रूफ रेल्स ब्लैक कलर की एंड बी पिलर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में इस कार में। डोर हैंडल्स यहाँ पे सारे रहेंगे बेहतरीन से बॉडी कलर। बाकी फ्रंट डैशबोर्ड देख सकते हैं डुअल टोन में पर रहने वाला है, टच म्यूजिक सिस्टम वगैरह रहेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स वगैरह। तो अंदर बैठ के अभी आपको डिटेल में दिखाएंगे और क्या कुछ रहेगा इस कार में। पीछे की तरफ आइए बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है इस कार की। और रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, तो देखने में काफ़ी बड़े से लग रहे हैं। अब आते इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ, बाइक से भी एकदम ब्रॉड मस्कुलर से लुक्स मिल जाते हैं इस कार के। वारंटी की बात कर ले तो इस महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जिसको चाहे तो आप आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। और बात कर अगर इस कार के रेवल्स के बारे में, तो इसका सीधा कॉम्बिनेशन टाटा सफारी जैसे एक कार से होगा, लेकिन भाई इसका क्या ही कहना है, रौला भौकाल जो इस कार में आपको मिलेगा ना बैठने के बाद, वो आपको दूसरी सीवी कार्स में देखने को नहीं मिलता है। अभी आते हैं रियर में, तो रियर में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रहेगा महिंद्रा का लोगो, जस्ट उसके नीचे भाई साहब यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा। ये भाई कैसे महिंद्रा मेहरबान हो गई, तो ये भाई एज अ एक्सेसरीज लगा हुआ है, आपको मिलेगा नहीं, अगर बाद में चाहे तो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी बैकलाइट्स यहाँ पे इसकी देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लंबी दी गई हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। नीचे माइक्रो हाइब्रिड जो आपको इसमें टेक्नोलॉजी मिलेगी उसकी बैजिंग रहेगी। बाकी ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका रियर वाइपर, यहाँ पे डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे इसका वॉशर और काफ़ी बड़ा सा इंटीग्रेटर, यहाँ पे स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे बम्पर में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्टर्स वगैरह एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इतनी बड़ी कार में। यहाँ पे देखेंगे तो रहेगा टोइंग हुक वाला ऑप्शन, यहाँ से अपनी गाड़ी को टो वगैरह कर सकते हैं। नीचे का रियर सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे देखेंगे इसका, ये रहेगा स्प्रे व्हील, इधर यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट पाइप, तो स्टेपनी वगैरह आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आइए अभी यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं लास्ट वाली यहाँ पे इसकी डोर, अंदर देखते हैं कैसा कुछ यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट रहता है। डोर ट्रिम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी, एंड दोनों स्पीकर देख रहे हैं भाई बाहर की तरफ एकदम ब्लैक कलर के आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसका हैंडल,
ब्लैक निश में इसका डोर ओपनर, इस तरह पूरा सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे सब एक्सेसरी रखी हुई, सीट कवर, मैट वगैरह। तो इन सूट को अगर इस तरह फोल्ड कर देंगे तो आपको 460 लीटर का बोर्ड स्पेस मिल जाएगा इस कार में। तब आराम से अपना सामान वगैरह रखिए। तो इसको हटा के ज़रा सीधा करके देखते बैठ के, यहाँ से खोलते हैं इसको। तो इस तरह आप इनको फोल्ड करने के बाद इस तरह को सीधा करके यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। तो वैसे तो भाई यहाँ पे दो बच्चे लोग आराम से बैठ जाएंगे, दो से भी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। एंड मेरी भाई 6 फीट के आसपास हाइट है, तो आइए मैं यहाँ पे बैठ के चेक करता हूँ कितना कुछ स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे मेरे बैठने के बाद अगर मेरे सेम हाइट का बंदा बैठ जाएगा तो भाई घुटने वगैरह टच होंगे, दो बच्चे तो आराम से बैठ जाएंगे। और डैशबोर्ड देखेंगे तो इस तरह पूरा रहता है इसका आगे का, यहाँ पे रूफ लाइट, पीछे भी रूफ लाइट, वही पीली हैलोजन बल्ब वाली पे रहेंगी। इधर का एक ग्लास अगर खोलना है तो इस तरह थोड़ा सा पे खुल जाता है। यहाँ पे हैंडल वगैरह रहने वाला है, आराम से चढ़ के पकड़ के चढ़िए उतरिए। तो एज अ बोर्ड स्पेस यूज़ करेंगे तो भाई 460 लीटर का आपको बोर्ड स्पेस मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आराम से दो बंदे यहाँ पे बैठ भी जाएंगे। तो इसको भी यहाँ पे करते हैं बंद। बाकी रियर प्रोफाइल यहाँ पे आपने इसकी पूरी देखी ली है भाई, भौकाल और रौला अगर आपको चाहिए ना तो इससे बेटर आपको कोई दूसरे से भी नहीं मिलेगी। हालांकि सेफ्टी वाइज थोड़ा सा वीक रहती है। एंड अभी यहाँ पे क्या है, इसमें पहले से भाई कुछ कॉस्ट कटिंग हुई, जैसे पहले स्कॉर्पियो आती थी ना तो वहाँ पे कुछ फीचर आपको ज़्यादा मिलते थे, जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड्रॉइड वाला, वहाँ पे इंफोटेनमेंट, टीपीएमएस जैसे फीचर्स, लेकिन उसकी जगह पे कॉस्ट कटिंग हुई तो वहाँ पे भाई थोड़ा इसका प्राइस भी पहले से डाउन हो चुका है इस कार का। यहाँ पे आपको मिलता है यूरिया वाला फिल कराने का ऑप्शन, तो आइए आपको यहाँ पे खोल के दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड में डीजल वाला रहता है, राइट साइड में यहाँ पे यूरिया वाला, तो अंदर से भी यहाँ से भी इनको खोल सकते हैं कैप्स को। तो दोनों यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिए, तो आइए आपको दिखा देते एक बार। यहाँ से आप डीजल फिल कराएंगे 60 लीटर, उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। बाकी यूरिया वाला पॉइंट उधर रहता है, तो वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। दोनों अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इस स्कॉर्पियो में। तो यहाँ पे राइट साइड से आप यहाँ पे इसमें यूरिया फिल कराएंगे। एंड बहुत सी कार्स में भाई एक ही जगह दोनों चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। बाकी साइड प्रोफाइल आपने यहाँ पे इस कार की देखी ली, काफ़ी बढ़िया सी लगती है देखने में ये हमारी कार। इससे भी ज़्यादा फीचर सनरूफ वगैरह चाहिए तो आप जा सकते हैं स्कॉर्पियो एन में। उससे भी अगर आपको एडवांस लेवल के फीचर चाहिए तो आपको मिलती है महिंद्रा एक्सयूवी 700। सारे सेगमेंट की बेहतरीन सी कार्स आपको मिल जाएंगी महिंद्रा के पास। ये देख रहे हैं ना, बीसी पिलर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में। हैंडल बॉडी कलर आपको मिलते हैं, ये देखेंगे सेकेंड रो वाली इसकी पूरी डोर ट्रिम, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में इसका हैंडल, पावर विंडो का कंट्रोल। इधर देखते हैं तो यहाँ पे डोर ओपनर रहता है, एकदम भाई ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। तो भाई डोर्स वगैरह सब पहले की तरह हैं। यहाँ पे देखेंगे बॉटल होल्डर, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सीट्स वगैरह पे फैब्रिक की रहती है इस कार में। यहाँ पे इसका प्लेट, फूड स्टेप, तो ये एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा यहाँ पे। एंड अंदर बैठने के बाद सबसे पहले अगर हम डोर को बंद करते हैं देन ये देखिए इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। तो ये तो भाई काफ़ी सही सा लग रहा है, अभी आगे बैठ के आपको दिखाएंगे डिटेल में। यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए देखेंगे एसी वेंट्स ब्लैक कलर में आपको मिलते हैं, दो ग्लास होल्डर या बॉटल होल्डर जो भी इनको बोल लीजिए। पहले यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी रहता था, वो अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, अब एकदम हल्का सा। बाकी स्पेस लेग रूम नीरूम वगैरह पे देख सकते हैं। थाई स्पोर्ट काफ़ी सही सा रहेगा इनकी सीट्स का। इधर का डोर ट्रिम, यहाँ पे हैंडल, इधर सीट बेल्ट्स, और ये हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये एडजस्टेबल आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के पूरा देख ही लिया कितना कुछ स्पेस रहता है। और ये इसका आर्मरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ग्लास होल्डर्स नहीं रहेंगे, हाथ वाथ रख लीजिए, हालांकि ये थोड़ा सा डाउन है। एंड सीट की चौड़ाई देखिए कितनी सही से मिलती है ना, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा सा रहेगा एंड काफ़ी ऊंचा बैठते हैं आप इस कार में। तो आइए अभी निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ, वहाँ से इसको पूरा कवर करके देखते हैं क्या कुछ रहेगा आगे ड्राइवर साइड की डोर में। डोर से यहाँ पे चैड लॉक्स वगैरह भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका हैंडल, रिमोट सेंटर लॉकिंग की आपको मिलती है इस कार के साथ, कोई भी केलेस एंट्री वगैरह आपको नहीं मिलेगी। डोर ट्रिम, यहाँ पर चारों पार्टनर के कंट्रोल्स, देन ब्लैक स्टेप आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। यहाँ पर इसका डोर ओपनर मैट ब्लैक फिनिश में। नीचे यहाँ पे स्पीकर्स, बाकी बॉटल होल्डर आपको नहीं मिलता आगे वाली डोर्स में, मैगजीन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। डैशबोर्ड यहाँ पे पूरा व्यू, सीट्स वगैरह वही यहाँ पे फैब्रिक के रहने वाली हैं, कुछ इस तरह पे इनकी क्वालिटी रहेगी। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन, दोनों ही ऑप्शन आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। इसका प्लेट, इसको थोड़ा सा भाई पीछे खिसका देते हैं। इसका प्लेट वगैरह एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगाई गई हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे इसके ABC पैडल्स, साइड में डेड पैडल, आगे का बोनट खोलना तो उसका लीवर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे कंट्रोल्स, तो यहाँ पे डिफॉगर, फील्ड लीड ओपनर, हेडलैम्प लेवलर एंड ORVM एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अभी लगाते हैं यहाँ पे की को, फिर बैठते हैं कार के अंदर। एक रिमोट सेंटर लॉकिंग की, दूसरे यहाँ पे मैनुअल फिजिकल की मिलती है डमी की। बैठने के बाद सबसे पहले ऑन करेंगे इसका इग्निशन। तो ये देखिए भाई साहब पूरा एनलॉग, इसका ब्लू कलर के यहाँ पे लाइटिंग, काफ़ी सारी चेक लाइट्स वगैरह। एंड ये रहेगा इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू, डुअल टोन में रहता है। एंड क्लस्टर से आइए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर RPM मीटर रहने वाला, इधर स्पीडोमीटर 180 की, यहाँ पे टॉप स्पीड मार्किंग, बीच में MID स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इसमें यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे ना इस टॉगल को, तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये काफ़ी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ऑडियो वगैरह। इधर यहाँ पे फ्यूल गेज वाले सारे बार डंडे, इधर टेम्परेचर वाले बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको कुछ फीचर भाई ज़्यादा मिलते थे स्कॉर्पियो में, लेकिन क्लासिक में कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, तो यहाँ पे भाई इसकी प्राइस भी पहले से थोड़ी कम हो चुकी है। बाकी स्टेयरिंग में यहाँ पे रहता है महिंद्रा का लोगो,
यहाँ पर देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल्स, देन यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोनिक वाले सारे कंट्रोल टच स्क्रीन के, और लेदर अप यहाँ पे आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलने वाली है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी आपको देखने को मिल जाएगी। और एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर लें तो ये देखेंगे यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल रहेगी, इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, इधर यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, और ये रहेगा इसका पूरा डैशबोर्ड। यहाँ पे इस इवेंट सराउंडिंग यहाँ पे देखेंगे क्रोम फिनिश, यहाँ पे 9 इंचेस का आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है। तो भाई ये पहले वाले आपको फीचर्स तो नहीं ऑफर करता, लेकिन साइज यहाँ पे पहले से बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें USB ऑक्स ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी इस टच स्क्रीन की। यहाँ पे सेटिंग्स, तो ये सब यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो पहले भाई और भी बहुत सारे फीचर्स आते थे वो नहीं मिलेंगे, पहले 7 इंचेस की स्क्रीन आती थी। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता है, चाहे तो एक्सेसरीज में जैसे इसमें इंस्टॉल किया गया इस तरह लगवा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी क्लियरिटी यहाँ पे सही रहेगी इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की। जो यहाँ पे शोरूम से इसमें लगवाया जा चुका है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे हेजल लाइट का स्विच, आइडियल चल स्टॉप का बटन, और ये रहा इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। यहाँ पे छोटा मोटा अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, एंड ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, यहाँ पे ग्लास होल्डर्स, और ये देख रहे हैं ना बड़े से आपको मार्बल वुडन टाइप की फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। इधर का डोल ट्रिम एंड डुअल एयरबैग मिलेगा कि यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फीचर रहता है बेस वेरिएंट लीजिए या टॉप लीजिए, सभी में 2 एयरबैग्स मिलेंगे। ग्लव बॉक्स में इतना कुछ इस पर जहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही रख पाएंगे। ऊपर आएंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर, यहाँ पे माइक, इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है इसके सनवाइजर में। देन ड्राइवर साइड देखते हैं तो यहाँ पे भाई सनवाइजर में वैनिटी मिरर वगैरह नहीं रहेगा। इधर इसका हैंडल, तो यही था इस कार का पूरा डैशबोर्ड वगैरह, पीछे का आपने स्पेस वगैरह देख लिया, सेकंड रो एंड थर्ड रो वगैरह का। तो और अगर कम शब्दों में बोला जाए, अगर आपको पूरा रोले भौकाली वाली मस्कुलर रिसीवी कार चाहिए तो आप जा सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप जाइए स्कॉर्पियो एन के साथ। तो अभी यहाँ पर डोर को करते बंद, फिर बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक, प्राइसिंग, फीचर्स के बारे में। तो इस कार में मिलेगा आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 130 bhp की पावर, 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग में मिलेगा आपको इसमें 15 से 16 किमी का माइलेज इस कार के साथ। एंड प्राइसिंग की बात कर लेगा स्टॉप मॉडल S11 की, तो आपको पड़ता है 16,81,000 ex-showroom, एंड वह जाएगा 19,50,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। एंड सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। एंड अगर आपको स्कॉर्पियो एनी XUV700 का वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो स्कॉर्पियो, अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।